चीजें एक्सरसाइज 1.1 या क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है क्या। ओके चलो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे देन हम इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, वेरीफाई ए माइनस माइनस बी स्क्वायर टू ए प्लस बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अगर यहाँ पे दो वैल्यू दिया है, क्या क्या वैल्यू दिया है, एक दिया है ए एंड सेकेंड बी। अब इसको फार्मूला पुट करना है देन देखना है क्या उसका आंसर सेम आ रहा है। जैसे कि एक फार्मूला यहाँ पे है ए माइनस देन ब्रैकेट क्लोज ओपन देन माइनस बी, मींस हमको यहाँ इस फार्मूला में रखना है इसी वाले को, ठीक है, और देन इसको इस फार्मूले में भी रखना है और देखना है कि आंसर दोनों का सेम आ रहा है। अगर सेम आंसर आ रहा है तो मीन्स ये फार्मूला करेक्ट है। ओके चलो देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन ए इक्वल्स टू 21 बी इक्वल्स टू 18। अब इसको हम किस वाले फार्मूला में पहले रखेंगे, पहले इस वाले फार्मूला में ए माइनस माइनस बी फार्मूला में रख लेते हैं देन हम इस वाले में रखेंगे ए प्लस बी। ओके चलो देख लेते हैं, देखते हैं पहले फार्मूला। यहाँ पे जो पहला फार्मूला उसमें हम पुट करेंगे, फार्मूला क्या दिया है ए माइनस माइनस बी। अब देखो यहाँ पे फार्मूला में हमने पुट कर दिया ये क्या 21 हमने पुट कर दिया ए के जगह पे, ए का वैल्यू कितना है 21 एंड देन माइनस माइनस सिंबल यहाँ पे माइनस हमने लगा दिया देन बी का जो वैल्यू है वो है 18 हमने पुट कर दिया जैसा है उसी तरह रख दिया मैंने फार्मूला। ओके इतना क्लियर है। अब चलो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब सिंपल इस बात है यहाँ पे हम लोग को ऐड करना पड़ेगा क्यों माइनस एंड माइनस, जब हम जानते हैं निगेटिव निगेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव मीन्स ये ऐड होगा। क्या हो रहा है 21 एड 18। ओके 21 एड 18 देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है। चलो यहाँ पे देखो वैसे ही सेम आया, क्यों आया क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं, माइनस माइनस होते हैं प्लस और हम इसे जोड़ना है, इसको माइनस माइनस को हमने कर दिया प्लस यहाँ पे और 21 एड 18। अब इसको ऐड करते हैं देखते हैं क्या आंसर सेम आने वाला है, आंसर क्या आने वाला है। देखो आंसर कितना आया, इन दोनों को हम ऐड किए तो कितना 39 आंसर आया, कितना 39 इज आंसर। ओके 39 क्या है आंसर है। अब चलो अब नेक्स्ट वाले फार्मूला में हम इसे पुट करते हैं ए प्लस बी, अब इसको डायरेक्ट हमको ऐड करना है। चलो नेक्स्ट फार्मूला क्या चीज है ए प्लस बी। अब ए की जगह हम क्या रखेंगे 21 देन बी की जगह क्या रखेंगे 18, तो हमने ए की जगह पे कितना रखा 21 एंड बी का वैल्यू 18, इतना पुट हो गया। अब चलो आंसर दोनों का सेम आ रहा है 21 एड 18 इज इक्वल्स टू 39, सेम यही पे आके वही हो जा रहा है। देखो यहाँ पे जो ये माइनस माइनस इसे हम ऐड में कन्वर्ट करते रहे, क्या माइनस माइनस क्या होते हैं, आई होप कि आप लोग को ये पता होगा माइनस माइनस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके मींस ऐड, अब माइनस माइनस इज प्लस, नेगेटिव नेगेटिव प्लस। ओके ये समझ में आ गया, यहाँ पे आके सेम ए प्लस बी का हो पूरा वही फार्मूला आ जा रहा है, ठीक है वही फार्मूला। चलो ये तो करेक्ट है, अब नेक्स्ट और चेक करते हैं। और पहला फार्मूला हम लोग पुट करेंगे ए माइनस माइनस बी, तो हमने क्या रखा ए का वैल्यू क्या है, क्या है 118 माइनस माइनस 142, अब जैसा उसे हम पुट कर दिए वैसे। चलो आगे देखते हैं दोनों को हमें माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, हम इसे प्लस का सिंबल लगा दिया और यहाँ पे जो है वैसे ही लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ओके ब्रैकेट हटाने के लिए हमने यहाँ माइनस माइनस क्या किया ऐड करते मीन्स माइनस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, क्लियर है। अब चलो अब आगे देखते हैं इसका कितना आंसर हो रहा है 248, दोनों को ऐड किए तो कितना आंसर हो रहा है 248। अब देखते हैं क्या है ऐसे वही आंसर सेम आने वाला है ऐसे ए प्लस बी, अब उसी में हम डायरेक्ट उसको पुट कर देना 118 एंड देन 125 को पुट कर दिया, अब देखते हैं क्या होता है 243 आने वाला आंसर, दोनों ही सेम आएगा मीन्स ये भी वैल्यू करेक्ट है, क्या ये दोनों करेक्ट है ये भी करेक्ट। ओके चलो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं ए माइनस माइनस बी, सेम उसी वाले फॉर्मूला फिर से हम पुट करेंगे
देन इसको हमने पुट कर दिया। आई होप कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने पुट कर दिया सेम टू सेम। देन माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, मीन्स इन दोनों को ऐड कर देना। ओके इतना तो क्लियर हो गया ना, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब इन दोनों को प्लस 75 एड 84, इन दोनों को ऐड कर दें। ओके कितना आया 159 आंसर आ गया। अब चलो अब देखते क्या नेक्स्ट वाले मैसेज आएगा। ओके चलो देख लेते हैं, ए प्लस बी है, कितना ए प्लस बी। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं, उसको हम ऐड करेंगे, देखते क्या आने वाला है आंसर से। 75 एड 84, अब देखो उसी तरह सेम फार्मूला यहाँ पे वो है यार। ओके यार ठीक है, 75 एड 84 यहाँ पे आ गया ना, हो गया। चलो अब ये सेम आंसर आने वाला है 159। चलो इतना क्लियर है। अब चलो ये देखते हैं, ए माइनस माइनस दिस वही फार्मूला है। देन इसको हमने पुट कर दिया, यहाँ पे हमने इन दोनों को माइनस माइनस हो गया प्लस, इन दोनों को हमने प्लस कर देना है। प्लस करने पे आ रहा है 39। देन अब देखते हैं, अब वही फार्मूला हम ए प्लस बी में पुट करेंगे, देखते हैं क्या आने वाला है। ए प्लस बी हमने किया, यहाँ पे हमने फार्मूला भी रख दिया और यहाँ पे उतना आंसर आ भी गया। चलो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा दो, सब्सक्राइब जरूर से कर लो, बेल आइकन को ऑल पर रख दो ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।